10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। इस सरकार से हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। केंद्र सरकार जनता से झूठे वादे करती है। यह बात मध्य प्रदेश के दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने झांसी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में ग्राम उड़ियान आदि गाँवों में जनसंपर्क के दौरान नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर मतदाताओं से कही। उन्होंने आगे कहा कि प्रदीप जैन चुनाव जीते भी और हारे भी, पर जनता से निरंतर संपर्क में रहे, जबकि भाजपा सांसद और प्रत्याशी कभी जनता के बीच नहीं आते। बड़े लोगों की भी उनसे मुश्किल से मुलाकात होती है। अगर हम सरकार की बात करें तो मोदी सरकार ने 10 साल में जनता से झूठे वादे किए। हर व्यक्ति सरकार से परेशान है, चाहे नौजवान हो, किसान हो या छोटा व्यापारी हो। इसलिए इस बार आम आदमी के लिए काम करने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन को भारी मतों से विजयी बनाए। अब ठीक है, परिस्थितियां थी, वो कई चुनाव जीते तो हारे भी, लगातार कई चुनाव हारे, तो हार जीत एक अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में लगातार जाते रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आप भाजपा के प्रत्याशी को देख लो, वो सुलभ नहीं है, सबको मालूम है, उनसे मिलना जुलना बहुत मुश्किल है। क्षेत्र का दौरा करना, ग्रामीण क्षेत्र में घूमना या जनता के बीच जाना तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े लोगों को भी उसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है। तो प्रत्याशी के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, सरकार काम कर रही है सबको पता है। तो इसलिए इस बार गठबंधन की सरकार बने, प्रदीप जैन आदेश जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको आप भारी बहुमत से जिताइए और आम किसान, आम बेरोजगार, नौजवान सबके लिए काम करने वाली सरकार को चुनिए, केवल पूंजीपतियों की सरकार को न चुनिए, यही मेरा आपसे। झांसी दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।